ये केस एक एल्बोहाइग्रोमा का है। अब जैसे देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है वहाँ पे, जिसकी वजह से इसको पेन वगैरह कुछ नहीं है, बट स्टिल देखने में बुरा लगता है। इनिशियली ये प्रॉब्लम डॉग कोई कुछ इफेक्ट नहीं करती है। अब होता क्यों है, जब ये उठते बैठते हैं डॉग, तो सबसे पहले इसकी एल्बो नीचे टच होती है, तो ये रिपीटेड ट्रोमा। और इसके अंदर क्या, एल्बो के अंदर ओलिक्रोनन प्रोसेस, जो अंदर से भी बोनी है, एक तरह से एंगल टाइप है 90 डिग्री पे, तो जब वो नीचे लग रहा है और उसके बीच में टिश्यू ट्रोमा हो रहा है, तो वहाँ पे फ्लूड इकट्ठा हो जाता है। अब धीरे धीरे फ्लूड इकट्ठा होगा, हम तो अभी तो ड्रेन कर रहे हैं इसको, बट आगे जाके क्या होता है, अगर ड्रेन ना करो कई बार तो इसमें फाइब्रोसिस हो जाता है। फाइब्रोसिस होगा तो फ्लूड इसमें रहेगा नहीं और एक बड़ी सी नॉट बन जाएगी अंदर ही, उसको सर्जिकली रिमूव करते हैं। बट जब जब तक फ्लूड है तो हमने इसको ड्रेन करना है। ड्रेन करने के बाद इसको प्रेशर बैंडेज करना है, जिसकी वजह से कि इन केस, क्योंकि ये वापस बन सकता है, तो प्रेशर बैंडेज इसलिए है कि जो फ्लूड बन रहा है उसको जगह ना मिले वहाँ पे, तो सबसाइड अपने आप ही हो जाए, हम ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े। बट स्टिल मोस्ट ऑफ द केसेस में रिलैप्स काफ़ी बार होता है, तो हमको ऑपरेट करके करना पड़ता है। इसमें पूरा का पूरा वो सैक जो होता है, जिसके अंदर फ्लूड होता है, वो पूरा एनमास निकालना पड़ता है, और इसका इंसीजन भी थोड़ा लेटरल आता है कि खुल ना जाए।